खबर अजमेर के जनाना गांव से, जहां संस्कृति स्कूल के अंदर लगे फाउंटेन के पास स्कूल कर्मचारी की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लाश मिलने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल में जुट गई। इस दौरान पुलिस ने शव की शिनाख्त दिलीप पंडित के रूप में की और वहीं मृतक के परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। आज सुबह करीब 9:30 से 10 के बीच में संस्कृति स्कूल के एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर हैं बुनिया जी, उन्होंने सिविल लाइंस थाने के अंदर इन्फॉर्म किया कि उनके यहाँ पर एक स्वीपर काम करता था जिसका नाम था दिलीप। उसकी डेड बॉडी जो है वो आगे के पूल के अंदर मिली है। उसके ऊपर सिविल लाइंस SHO और बाद में यहाँ पर आए। यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है वो एक CCTV कैमरे से कवर अप होता है, जहाँ पर इनके एक फैमिली मेम्बर को भी हमने साथ में बिठा दिया है ताकि देखा जा सके कि एक्चुअली घटना किस वक्त हुई है और इसके अंदर अगर किसी का फाउल प्ले है तो किसका है। दूसरी जो चीज़ है वो FSL यहाँ पर करा दी गई और मेडिकल बोर्ड से हमें इसका एग्जामिनेशन करा। ये हमको कुछ भी पता नहीं है, कल यहाँ ड्यूटी पे था ये, कल 11:30 बजे यहाँ ड्यूटी कर रहा था। फिर ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ से बाहर नहीं निकला और ये खेके गया था, मैं किशनगढ़ जा रहा हूँ तो वहाँ रजिस्टर में कुछ साइन आइन तो होंगे कि ये काम फिर क्यों लगाया। जब रजिस्टर में साइन हो गया तो उसको घर पर जाना चाहिए ना, फिर उसको छोड़ा क्यों नहीं, क्यों काम पे लगा दिया, किसकी लापरवाही, स्कूल की लापरवाही मानता हूँ मैं। और उसके बाद भी बच्चा टाइम निकलने के बाद भी कर्मचारी का कोई